दोस्तों, क्या आप विंडोज यूजर हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो विंडोज लैपटॉप या कंप्यूटर है वो देखने में कुछ ऐसा, यानी कि मैकबुक ओएस के जैसा दिखे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मतलब कि काम तो करे अंदर आपका विंडोज वाला, लेकिन जो डिजाइन और यूआई हो वो कम्प्लीटली आपकी मैक ओएस के जैसी हो, जिससे देखने के बाद कोई भी ये ना कह पाए कि भैया आप विंडोज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग अपने विंडोज लैपटॉप या कंप्यूटर को मैक ओएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूआई के मामले में, डिजाइन के मामले में। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, मैं डिजाइन और यूआई की बात कर रहा हूँ। यानी देखने में हूबहू आपका बिल्कुल मैक ओएस के जैसा दिखेगा कुछ ऐसा, और कोई भी उसे देखकर ये नहीं कह पाएगा कि वो विंडोज लैपटॉप है। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और साथ में अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर हैं, अब तक हमें फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाइए और हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के स्टेप्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, और आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से आप अपने विंडोज लैपटॉप का जो डिजाइन है, लुक है, यूआई है, कम्प्लीटली आप चेंज कर सकते हैं मैक ओएस के जैसे। यानी कि अगर आपका कभी का ख्वाब रहा हो कि आप मैक ओएस को यूज करें, मैकबुक यूज करें, लेकिन बजट कम होने के कारण आप लैपटॉप विंडोज का यूज करते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लैपटॉप विंडोज वाले लैपटॉप को कन्वर्ट कर पाएंगे मैक ओएस की यूआई के साथ, और बिल्कुल सेम टू सेम देखने में वैसा ही दिखेगा। तो कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको अपने लैपटॉप के ऊपर सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा और कस्टमाइजेशन करने होंगे। तो सबसे पहला टास्क है कि आपको आपकी जो ये मेन्यू दिख रहे हैं सारे के सारे, इसको हाइड करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक कीजिए, व्यू पे जाइए और शो डेस्कटॉप आइकन्स को आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये हाइड हो जाएगा। आपको सबसे पहले इसे हाइड कर लेना है। देन उसके बाद आपको जाना है आपके लैपटॉप के अंदर रैन मीटर को इंस्टॉल कर लेना है। बेसिकली रैन मीटर का मैं जो यूआरएल्स है, ये सारे जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं डाउनलोड करने के, मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको इजी रहे डाउनलोड करने में। तो आपको इस पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद ये डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा। आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है और इंग्लिश चूज कर लीजिए, स्टैंडर्ड रिकमेंडेड को चूज कर लीजिए एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही इंस्टॉलर ये कंप्लीट हो जाता है तो आपके सामने कुछ ऐसे डेस्कटॉप के ऊपर फंक्शंस आ जाएंगे। तो आप इसको सबसे पहले अनलोड कर लीजिए स्किन्स को, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड कीजिए। अगली जो रिक्वायर्ड आइटम्स है वो है आपके जो आपका कह सकते हैं कि जो मैक ओएस होता है बिग सुर का, वो आपको यहां से डाउनलोड करना है। तो इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, जिसको कि हम कहते हैं स्किन्स। तो स्किन डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको यहां डाउनलोड पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले ये आपसे लॉगिन मांगेगा, तो आपको लॉगिन कर लेना है और डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। कई सारे फंक्शंस को आपसे पहले पूछेगा ये जब आप डाउनलोड करने जाएंगे, तो एज पर योर कॉन्फ़िगरेशंस आप अपने चूजेस वहां पे कर लीजिएगा जो भी आपको चूज करना है। देन आप जो जिप आपकी डाउनलोड हुई है उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एंड देन आपको यहां पे एक ऑप्शन दिख जाता है बिग सुर करके स्किन का, आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। और ये बेसिकली क्या काम करेगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी देखने में विंडोज जैसा दिख रहा है, इसको कन्वर्ट कर देता है बिग सुर यानी कि मैक ओएस, जो बिग सुर मैक ओएस वर्जन था उसके जैसा। तो आपको सबको टिक कर लेना है, उसके बाद फिर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे आपको कई सारे ऑप्शंस यहां पे दिख जाएंगे, लाइक आप डार्क मोड को ऑन कर सकते हैं और यहां से आप अपने टेम्परेचर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको टेम्परेचर्स भी दिखाए। और वॉलपेपर यूज करना चाहते हैं तो आप इसे अप्लाई थीम के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद लेआउट पूछेगा, तो लेआउट आप जैसा चाहें वैसा यहां से आप चूज कर सकते हैं। तो दो तरह के लेआउट बेसिकली आते हैं आपके इसके अंदर, तो देख सकते हैं ये बेसिकली देखने में बिल्कुल डिटो आपको वैसा ही दिख रहा है। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो है आपका वॉलपेपर का डिजाइन। तो एक वॉलपेपर का मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थोड़ा देखने में प्रीमियम, ये फुल एचडी क्वालिटी में है तो अच्छा दिखेगा आपको। और इसे एज अ डेस्कटॉप वॉलपेपर आपको सेट कर लेना है, एंड जैसे ही आप इसका डिजाइन देख सकते हैं आप बिल्कुल वैसा ही देखने में है। और आप इस यहां पे चाहे तो मैक ओएस के जो वॉलपेपर्स आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो रिक्वायर्ड थिंग्स है जो कि ऊपर वाले टॉप आइकन्स को लेकर आएगी वो है ड्रॉप टॉप, और यहां से आपको इसे क्लिक कर लेना है एंड आपको यहां पे डाउनलोड्स के ऑप्शन दिख जाएंगे।
और अगर यहाँ ऑप्शन ना दिखे तो भी आपको यहाँ पे जिप का एक फॉर्मेट आ जाता है जहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसे आप क्लिक कर लीजिएगा। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है ताकि जो ऊपर का टॉप आइकन्स होते हैं मैकOS के वो वैसा लुक आप लेकर आ सकें अपने कंप्यूटर के अंदर। तो इसे आप क्लिक कर लीजिए जो डाउनलोड किया आपने, और देखने में यहाँ पे आपको ये सारे आइकन्स दिखेंगे जिनको आपको पहले से ही क्लिक कर लेना है और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगले ऑप्शन पे आपसे इंस्टॉलेशन का यहाँ पे कमांड मांगेगा जहां पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहां से आप अपने लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हैं। जैसे हमने इंग्लिश को यूज कर लिया है, इंग्लिश यूएसए वाला, और आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहां से ऑलवेज शो ड्रॉप बॉक्स को आप चूज कर लेंगे जो ड्रॉप टॉप का ऑप्शन पहला वाला है। देन आपसे यहां से पूछेगा कौन सा डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, तो मैं बेसिकली अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूं तो लैपटॉप चूज करूंगा, और अगर आप कोई और डिवाइस यूज कर रहे थे तो आप कोई और डिवाइस यूज कर लीजिएगा। और यहां पे आप अपना वेदर लोकेशन डालकर एंटर दबा दीजिएगा। देन आप जो सेल्सियस का ऑप्शन दिख रहा है उसको आप एनेबल कर दीजिएगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अगले ऑप्शन पे पूछेगा कि आपको होम बटन किस डिजाइन में चाहिए। आप यहां से कई सारे डिजाइन अवेलेबल हैं, आप चूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा दिखाना चाह रहे हैं वैसा चूज कर लीजिए। तो मैं डिफॉल्ट जो मैक का आता है एप्पल का कटा हुआ सेव, मैं उसे यूज करूंगा यहाँ पे, और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। हालांकि यहाँ पे एक और ऑप्शन था जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे आप साइज आपसे पूछता है, तो मिनी स्टैंडर्ड और एक्सेल्स में एक्सेल रखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे मिनी साइज को चूज कर लीजिएगा, तो देखने में मैकबुक की तरह ही आपको डिजाइन दिखेगी उसकी। और यहाँ पे जो चूज कर लेंगे तो डिफॉल्ट वाला ऑप्शन या बिग सुर, तो हमने बिग सुर वाला जो स्क्रीन था वो डिजाइन किया है, अपलोड किया, तो बिग सुर को मैं चूज कर लूंगा। और कुछ यहाँ पे आपको लेने के लिए कहेगा कि आप अनलॉक कर सकते हैं ये सारे फीचर्स को, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, और मे बी लेटर पे क्लिक कर दीजिएगा। देन यहाँ पे फिनिश एंड सेटअप के ऊपर क्लिक करके एंड यू आर रेडी टू गो। और आपका जो मेन्यू बार है ऊपर अपने आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बा चुका है, और थोड़ा सा समय लेगा, एक दो मिनट का, और कभी कभी 30 सेकेंड्स में ही हो जाता है। तो हमारे वाले केस में 30 सेकेंड्स में आप देख सकते हैं ऊपर मैक का सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एप्पल्स के अंदर आता था, तो वैसा ही आपको यहाँ पे भी देखने को दिख जाएगा। और आप जो चाहें यहां से आप हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब जो नीचे वाला ऑप्शन है इसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके लिए आपका एक राउंडेड टीवी के नाम से एक ऑप्शन आता है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं गेट इन एप स्टोर, इसके भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो नीचे के जो ऑप्शंस हैं इन सबको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने पहले इसको इंस्टॉल कर लिया था, तो अभी मैं उसको हटा दूंगा। और यहां से आप चूज कर सकते हैं किस टाइप की मार्जिन आप लेना चाहते हैं इसके अंदर, और एडवांस का ऑप्शन यहाँ पे आप क्लिक करिए और अप्लाई कर दीजिए। तो ये हटा सकते हैं चाहे तो, जैसे मैं इसको हटाना चाहता हूं तो शॉर्ट ट्रे पे हटा दूंगा इसे। दूसरा है मैक्सिमाइज वाले ऑप्शंस को मैं हटाना चाहता हूं तो इसे भी हटा सकता हूं। तो अपने हिसाब से आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लीजिएगा, आप जैसे चाहे यहां से जैसे सब क्लिक करेंगे हटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं आप हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल मैकOS के डिजाइन की तरह आ गया है। अब कहने के लिए ये है विंडोज लैपटॉप जो कि विंडोज 11 पे चलता है, लेकिन डिजाइन वाइज अगर कोई देखेगा तो इसे 100% वो यही कहेगा कि आप मैकबुक यूजर हैं। तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई डाउट्स हो कोई क्वेश्चंस हो मन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर लीजिएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियोस में कुछ नए ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।